आज हम लोग, पहले हम लोगों ने मांगा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी से समय, तो अभी हम लोग गृह मंत्री जी से मिले थे 2019 में और 2020 में, दो बार प्रस्ताव किया है और सर्वसम्मत प्रस्ताव पास है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग लगातार उठ रही है। सत्ता पक्ष की तरफ से जेडीयू मांग कर रही है, तो दूसरी ओर आरजेडी की तरफ से भी मांग जोरों शोरों से की जा रही है। इसी कड़ी में जेडीयू का एक प्रतिनिधित्व दल दिल्ली पहुंचा, जिसका नेतृत्व जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद ललन सिंह कर रहे थे। पहले उनके तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी गई और उनसे मुलाकात करने की बात भी कही गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से यह जवाब आया कि आप गृह मंत्री से मिलिए। उसके बाद जेडीयू का प्रतिनिधित्व मंडल गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंचा। वहां पर जाकर अमित शाह से क्या कुछ बातचीत हुई है और उन्होंने जाति आधारित जनगणना को लेकर क्या कुछ बातें कही है, इस विषय में जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बता रहे हैं, आप सुनिए। हम लोगों की मांग शुरू से रही है जाति आधारित जनगणना की, और बिहार की विधानसभा दो बार 2019 में और 2020 में दो बार सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा जाति आधारित जनगणना के। उसमें हमारी पार्टी भी रही, भारतीय जनता पार्टी भी रही, राष्ट्रीय जनता, सभी पार्टियों ने सर्वसम्मत प्रस्ताव भेजा है। और आज हम लोग, पहले हम लोगों ने मांगा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी से समय, उनके यहाँ से सूचना आई कि गृह मंत्री जी से मिल के उनको ज्ञापन दे दें, तो अभी हम लोग गृह मंत्री जी से मिले थे। हमारे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद साथ थे और हम लोगों ने सभी के हस्ताक्षर से एक मेमोरेंडम उनको दिया है, जिसमें हम लोगों ने जाति आधारित जनगणना की मांग की। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि इस पर फिर चर्चा करेंगे, आप लोगों का भी जो पक्ष है वो सही है, कुछ और भी तर्क है जो जिस पर हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने कहा कि हम लोग जब भी आप बात करने के लिए बुलाएंगे लोग हाजिर हैं, लेकिन हमारी मांग जातिगत जाति आधारित जनगणना की है, ताकि एक बार 1931 में जाति आधारित जनगणना, उसके बाद आज तक कोई जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। अब जो दावे होते हैं उस दावों को अगर सबको जोड़ लिया जाए तो हिंदुस्तान की जो आबादी है उसका 3 गुना आबादी होना चाहिए। तो इसलिए, और आपकी नीति बनाने में भी, आप जब किसी भी वर्ग के लिए कोई नीति बनाते हैं तो उसके लिए भी यह जानना जरूरी है कि किस वर्ग के लोग कितनी संख्या में हैं, तो इसलिए उसके लिए भी यह आवश्यक है। तो उन सारे तर्कों के साथ हम लोगों ने गृह मंत्री जी से आज बात की है और उन्होंने कहा है कि इस पर चर्चा करें। टाइम फ्रेम दिया गया है कि इस टाइम फ्रेम में ये नहीं, अभी तो हम लोगों ने मांग किया है, फैसला तो केंद्र सरकार को करना है। लेकिन ललन जी, बिहार में खासतौर से बीजेपी के जो नेता है इस पर सहमत नहीं है, ये हम नहीं जानते हैं अभी के बीजेपी के नेता सहमत हैं कि नहीं और कौन सहमत है कौन नहीं सहमत, लेकिन बिहार की विधानसभा ने 2019 में और 2020 में दो बार प्रस्ताव किया है और सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया है, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी। अब आज के लोग क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं वो जान। सर, राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री थे तो उस समय भी ये कहा गया था कि होगा, क्या आपको लगता है कि एक तरह से यूटर्न है ये? नहीं, अभी तो जो स्थिति है उसमें जब होना है तो अभी हम लोगों ने मांग की है, अभी तो शुरू हुआ नहीं है जनगणना, तो हम लोगों ने मांग की है कि उस पर निर्णय लीजिए और निर्णय लेने का समय आ गया। तो आपने ललन सिंह को सुना, उन्होंने बताया है कि गृह मंत्री अमित शाह के सामने उन्होंने सारी बातें रखी है। अमित शाह का ये कहना है कि आपका भी पक्ष सही है, यानी कि जाति आधारित जनगणना कराने की मांग बिहार से जो उठ रही है उस पक्ष को अमित शाह ने सही बताया है और ये कहा है कि इस विषय में हम लोग बातचीत करने वाले हैं, मंथन करेंगे, उसके बाद आगे जाकर ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा या फिर आगे कोई बात बढ़ेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या जाति आधारित जनगणना को लेकर पुनर्विचार किया जाता है या फिर वहां पर एक बार फिर से इस मामले पर कोई भी बात जो है वो आगे नहीं बढ़ती है। लाइव सीरीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। आज हम लोग, पहले हम लोगों ने मांगा था
आदरणीय प्रधानमंत्री जी से समय, तो अभी हम लोग गृह मंत्री जी से मिले थे 2019 में और 2020 में, दो बार प्रस्ताव किया है और सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया।